तुम बहुत बहादुर लड़की हो, और जो तुम्हारे साथ हादसा हुआ, नहीं प्लीज प्लीज मुझे बोलने न दो, मन हल्का होगा। तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ उसको लेकर मैं अपने मर्द होने पर भी शर्मिंदा हूँ। स्नेहा बाबूजी, माँ कैसी है? अरे तू तो जानती है बेटा, जितना उसे तुझ पर फक्र है उतनी ही तेरी फिक्र है, और तुझसे कहीं ज्यादा उतावली है तेरी और अर्जुन की शादी को लेकर। कितनी खुशकिस्मत हूं ना मैं बाबूजी, कि मेरे बाबूजी और मेरे होने वाले पति दोनों मुझे इतना समझते हैं। अगर अर्जुन की जगह कोई और होता तो नहीं बेटे, अर्जुन की जगह तेरे दिल में कोई और नहीं ले सकता बेटे। हो, मुझे तुझसे कुछ पूछना था। जी बाबूजी। वो तेरे पास कुछ फिक्स डिपॉजिट के पैसे थे, तूने इस्तेमाल कर लिए क्या? बाबूजी, गांव वालों की हालत तो आप देख ही रहे हैं, ऐसे में वो पैसा बैंक में पड़े पड़े किस काम का? इससे तो अच्छा है ना कि वो उन लोगों के कुछ काम आ जाए। बेटे, लोगों की भलाई करना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए मुझे अस्पताल से कुछ रकम मिलती है, कुछ कम है पर इतनी भी कम नहीं। मैंने ये तय कर लिया है कि मैं अपना गुजारा उसी में चलाऊंगी। ये तेरे अंदर सन्यास लेने वाली भावना कब से पैदा हो गई? सन्यास नहीं बाबूजी, मैंने एक वजह को अपना लिया है, और आप ही कहा करते थे ना गांधी जी के शब्द कि अगर जरूरतें पूरी करनी हो तो बहुत कम में भी काम चल जाता है, लेकिन स्वार्थ पूरा करने के लिए बड़ी से बड़ी रकम भी कम लगने लगती। बाबूजी, मैं उन परिवारों से मिली हूं जो उजड़ गए, उम्मीद तक करने से कतराते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी गांव वालों को ये बात जाने क्यों समझ ही नहीं आती। खुले में शौच ना सिर्फ एक खतरा है बल्कि एक बहुत ही गलत सोच का प्रतीक है। समझता हूँ बेटे, लेकिन बाबूजी इस बार मेरा वार बीमारी के लक्षण पर नहीं, उसकी जड़ पर, और इसीलिए मेरे बस में जो कुछ भी है, मेरा हुनर, समय, साधन, सब कुछ मैं इन गांव वालों की सेवा में लगाना चाहती हूँ। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, नेक इरादा अगर जोर बन जाए खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। गीता में लिखा है ना बाबूजी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। उसे जीतना बहुत मुश्किल है। आप ही की बेटी हूं ना बाबूजी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, मुन्ना जी और बुआ की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। और मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी की और आपकी सेवा में। बुआ जी, आज हमारे साथ हैं रुक्मणी जी, कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? मुन्ना भैया, हमको इतना आनंद मिल रहा है आप दोनों से बतिया के कि हमारे खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। कैसे है सब घर में, सब कुशल मंगल? असल में बुआ जी, छूटा जंगल तो सब कुशल मंगल,
छोटा जंगल सब कुशल मंगल, मतलब कैसे, मैं समझा नहीं, बताइए। हुक्का है ना बुआ जी, हमारे घर शौचालय बन गया है और हमारा जंगल जाना भी छूट गया। अब तो उन बेशर्म आंखों से भी हम बच गए और समय का वो तो बचत ही बचत है एकदम। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखा मुन्ना, एक मामूली सा टॉयलेट हमारे समाज के एक दोगलेपन का इलाज है। वो कैसे बुआ जी? वो ऐसे घर में करे है घूंघट और खुले में खुले आम, क्या यही है घर की इज्जत, क्या यही है नारी का सम्मान? अरे वाह बुआ जी वाह, आप तो मुन्ना से भी आगे बढ़ गए। और बुआ जी अब हमारे साथ हैं लाइन पर रामू काका और बब्बन मियाँ। हाँ जी, क्या हो रहा है जी? अरे भाई मुन्ना, हाथ में डब्बा लेकर के अपने खेत जा रहे हैं बस, खुले में। अरे गांव में इतना सब हो जाने के बाद भी? अरे भाई मुन्ना, एक दो बंदे खुले में चले गए तो क्या फर्क पड़ने वाला, अपने को तो चार दीवारी के अंदर मन ही नहीं भरता। अरे एक के मल पर भी इतनी मक्खियां बैठ सकती हैं जितनी पूरे गांव को गिराने के लिए सक्षम है। बिल्कुल। अरे हमा मुन्ना रहने दो, अरे भाई सारी उम्र गुजार दी हमने, अब हम भी तो अपने पैरों पर ही खड़े हैं। हम वे देखो देखो खड़े। सो तो है, लेकिन मुन्ना पूछ रहे हैं क्या आप अपने पंजों पर खड़े हो सकते हैं? मतलब? ओहो, ऐसा है भैया, आप दोनों अपने पंजों पर खड़े हो जाइए। खड़े हो गए? लो खड़े हो गए। और आपके पास जो वो लोटे है ना, उसका पानी अपने ऊपर उड़े लीजिए। ठीक है, उड़ी लेते हैं। अम्मा मगर क्यों? ऐसा इसलिए कि आपकी खोपड़ियों में जो मल भरा पड़ा है ना, कम से कम वो धुल जाएगा। आप भैया देखिए, ऐसा है, मन बदलेगा तभी तो तन भी संभलेगा ना, क्यों भैया जी? बिल्कुल सच कहा मुन्ना। समझ गए। रामू, अब हम खुले में नहीं जाएंगे, अब हम शौचालय में जाएंगे। ये हुई ना बात। मुन्ना, इनके उदाहरण से हमें एक बात सीख लेनी चाहिए। कौन सी? भाई खुले में शौच का ऐसा है आचार, एक भी करे तो सारे गांव पर है वार। अरे वाह बुआ जी, ये तो बहुत अच्छा था। साथ में बोले? हाँ चलो साथ में बोलते। हाँ, 1 2 3। खुले में शौच का ऐसा है आचार, एक भी करे तो है सारे गांव पर वार। बुआ जी और मुन्ना लेंगे सबकी खैर, सच से अपनी दोस्ती, झूठ से अपना वैर। एनी टाइम एनी वेयर। एक गहुना गिहला कहन हमा हो, पिया कर वे मुकदमा। एक गहुना गिहला कहन हमा हो, पिया कर वे मुकदमा। एक गहुना गिहला कहन हमा हो, पिया कर वे मुकदमा। स्नेहा दी, जब हमने प्रकाश जी और सरोज को उनके घर के कागज और जेवर लौटाए तो उनके चेहरों को देखकर मेरे तो आंसू उमड़ आए थे। हाँ बन्ना, बूंद बूंद से भरे सरोवर, ये तो बस शुरुआत है, अभी आगे और बहुत कुछ करना बाकी है। अब जो कहें स्नेहा दी, मैं हर पल हर बात में आपके साथ हूँ। पन्ना, हमारे गांव में ऐसे जो परिवार हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया है, उनसे ज्यादा और कौन समझ सकता है कि इस गांव को किस सुधार की जरूरत है। बिल्कुल। स्नेहा दी, आप क्या सोच रही हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि हम उन परिवारों में से एक सदस्य को चुनेंगे और फिर उन्हें एकजुट करके फौज बनाएंगे। हाँ, एक फौज बनाएंगे जो उन दुश्मनों से लड़ेगी जो हमारे बीच रहते हैं, अंधविश्वास, गलत सोच, अस्वच्छ आदतें। बिल्कुल सही सुझाव है स्नेहा दी, आखिर जिन लोगों ने अपना कोई खोया है वही तो दूसरों के दुख को भी समझेंगे। सच में अगर ऐसा हो जाए तो हम कभी नहीं हार सकते। हाँ पन्ना, हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। हेलो। हेलो, क्यों फोन किया? तुम्हारी आवाज सुन ले। सुन ली, अब रखो।
रख दो। वैसे भी तुम्हारे लिए हमेशा मेरा इनकमिंग कॉल होता है और मेरे लिए आउटगोइंग कॉल। मैं वेट कर रहा हूँ कि कभी ना कभी तुम भी मुझे कोई इनकमिंग कॉल दे दो, कम से कम एक मिस कॉल तो दे दो। घबराने की कोई बात नहीं, मधोक जी बहुत अच्छे इंसान हैं, पुलिस अफसरों के लिए मिसाल है। जाओ। चलिए पन्ना, अरे बैठो बैठो प्लीज बैठो बैठो। कैसी हो पन्ना? ठीक हूँ, मैं आपका इंतजार कर रही थी। स्नेहा दी ने कहा था कि आप आते ही मुझे एक अच्छे से कविता सुनाएंगे। मुझ पर हमला हुआ, मुझे मारने की कोशिश की गई। ऐसे हादसों में हर लड़की के मन में एक विचार आता है, जुल्म उस पर चाहे मर्दों ने किया हो, लेकिन बदनामी हमेशा लड़की की ही होती है। आज नहीं पन्ना, मन नहीं है आज। तुम बहुत बहादुर लड़की हो और जो तुम्हारे साथ हादसा हुआ, नहीं प्लीज प्लीज मुझे बोलना ना दो, मन हल्का होगा। तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ उसको लेकर मैं अपने मर्द होने पर भी शर्मिंदा हूँ। जी सर, सुनकर अच्छा लगा। और अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ उसके लिए पन्ना तुम्हें और हिम्मत जुटानी होगी और बहादुरी दिखानी होगी। उन तीनों लड़कों को अगर सजा दिलानी है तो एक काम सिर्फ तुम कर सकते हो। मैं तैयार हूँ। और जो तुम्हारी शादी टूटी उसका मुझे बहुत गहरा अफसोस है। शादी टूटने का मुझे कोई अफसोस नहीं है, कि दुख तो मुझे इस बात का है कि बहुत सी बातें समझने में मैंने ही देर कर दी। क्या समझने में? जब कोई महिला अकेली शौच करने बाहर निकलती है तो वो खुद अपनी गरिमा को खतरे में डाल देती है। और अगर कोई हादसा हो जाता है तो समाज महिला पर ही उंगली उठाता है और घबराहट के मारे महिला एक और गलती कर बैठती है, वो अपने आप को दोषी मान बैठती है। इसमें हार समाज की है पन्ना, हमारा इसमें कोई दोष नहीं। मैं जानती हूँ, स्नेहा दी से मिलने के बाद मुझे अब ये बातें समझ आने लग गई हैं। मुझ में कोई डर नहीं। चले
चार छः, दो चार छः अंदर डालो, बाकी सबको जाना था। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। तो चलिए आज मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछती हूँ। जब एक मरीज एक डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? पहले अपनी फीस मांगता है। डॉक्टर से पहले मरीज बाबा पहलवान के पास जाता है। नहीं नहीं रुकिए, मैं अपना सवाल बदलती हूँ। जब एक मरीज किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाता है तब वो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? वो पहले पूरी तरह जांच करता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर सबसे पहले मरीज की जांच करता है। अब एक बात बताइए कि अगर मरीज कोई एक इंसान ना हो बल्कि एक पूरा गांव, तब सबसे पहले क्या करना चाहिए? पूरे गांव की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल सही। आप लोग बहुत समझदार लगते हैं। जब गांव ही मरीज हो तो गांव का हर एक नागरिक डॉक्टर बन सकता है। गांव की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें पहचानना जरूरी है कि उसके शरीर के अंग क्या क्या हैं। आप रुकिए, सरपंच जी आप बताइए। भाइयों बहनों, गांव की जांच करने से पहले हमें अपने गांव का नक्शा बनाना होगा। क्या बनाना होगा? नक्शा। नक्शा। अच्छा तो आप में से कौन कौन हमारी मदद करेगा? देखिए क्या बात है, इतने सारे लोग। अच्छा रुकिए, मैं आती हूँ आपके पास। आज आपने देखा हमारी पन्ना अपने हक के लिए भरी अदालत में खड़े होने को तैयार है। देश की हर औरत के लिए ये एक जरूरी पैगाम है। जुल्म के आगे चुप रहना अपने आप में एक जुल्म है और ये जुल्म हमारी औरतें अपने आप पर अक्सर ढाती। क्यों? अगर आपके साथ कोई बदतमीजी, कोई बदसलूकी हुई है तो आवाज उठाओ। कानून और प्रशासन दोनों आपका साथ देंगे। हमारे देश में औरत को शक्ति का रूप माना जाता है और आज का दौर ऐसा है कि इस शक्ति को इस्तेमाल करने का मौका सबके पास है। मैं हर औरत से विनती करती हूँ, समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, हम भी बदल जाएं तो मिलकर हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। मैं और आप मिलकर इस देश का चेहरा बदल सकते हैं। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।